राम राम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और बहुत खुश होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जाट फैमिली ब्लॉग्स में। तो आज फिर से मैं एक बार नाकुमट के ऊपर आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने एक मैडम की वीडियो देखी थी जो नाकुमट ईटर हैं, बहुत ज़्यादा पसंद है उनको नाकुमट खाना। तो वो अपनी वीडियो में मैसेज दे रही थी कुछ, तो मैसेज क्या दिया था उन्होंने? उन्होंने मैसेज ये दिया कि सब लोग बोल रहे हैं नाकुमट मत खाओ, ये नुकसान करता है, फलाना धमकाना, ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि नाकुमट नुकसान नहीं करता है, और वो पूरा का पूरा ना पन्नी लेके बैठी हुई है। नुकसान क्यों नहीं करता है? आप रीज़न्स सुनिए, बहुत लॉजिकली रीज़न्स उन्होंने दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग बहुत लॉजिकल रीज़न है। सबसे पहला रीज़न उन्होंने दिया कि जो पैकेट है उस पर लिखा होता है कि ये ईडेबल है। ये बहुत लॉजिकल रीज़न है कि उस पर लिखा हुआ है कि वो ईडेबल है, इसलिए हम उसको खा सकते हैं। सेकंड उन्होंने लॉजिक दिया कि ये नुकसान कैसे करेगा। सब लोग बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है मैडम ने मेरी वीडियो देखी हो, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये नुकसान नहीं करेगा, तो क्यों करेगा नुकसान? नुकसान नहीं करेगा कि अगर आप जो खाना है वो भी अगर अपना फूड भी एक्सेस लेते हैं तो मोमेंट के थ्रू आपको बाहर आ जाता है। तो एक्सेस तो फूड भी आपको डाइजेस्ट नहीं होता है, वो भी नुकसान करता है। तो नाकुमट पे ईडेबल लिखा हुआ है, आप खा सकते हो, लेकिन आपको लिमिट में खाना है। डेली का आप 3 से 4 डली खाओ तो वो नुकसान नहीं करेगा, अगर आप एक्सेस लेते हो तो वो नुकसान करेगा। अगेन अ लॉजिकल रीज़न, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हर। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, खाने का मैंने मान लिया कि हाँ चलिए ठीक है, खाना हम एक्सेस खाते हैं वो नुकसान करता है, ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, ओवर ईटिंग इज़ नॉट गुड फॉर अस, नहीं करनी चाहिए। बट अगर हम खाना खा रहे हैं, हमने ओवर ईटिंग किया, वो ठीक है, हमें डाइजेस्ट नहीं होगा तो वो बाहर आ जाएगा बॉडी से, बॉडी रिलीज़ कर देगा उस खाने को, चाहे वॉमिट के थ्रू, चाहे जिस मर्ज़ी से। लेकिन जो उसमें से जो प्रॉपर फूड है, जो बैलेंस डाइट है हमारी, बैलेंस जो खाना है, वो तो हमारी बॉडी में जा रहा है। तो बॉडी तो जो फूड है वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बट ये आपका नाकुमट हमारी बॉडी को क्या देता है बताओ? ईडेबल वाला भी मैं आपको आंसर दूंगी, तो क्या देता है उससे? तो सिवाय बीमारियों के कुछ नहीं मिलता। आप एक डली खाओ, आप 2 डली खाओ, या आप 10 डली खाओ, नाकुमट का आप जितना मर्जी हिस्सा खाओ, जितना मर्जी क्वांटिटी में खाओ, लेकिन नाकुमट एक काइंड ऑफ स्टोन है, काइंड ऑफ फंगस है, काइंड ऑफ मिट्टी है। तो उससे आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है आपके शरीर को? वो तो नुकसान ही करेगा, या तो पथरी कर देगा, या आपका डाइजेशन ख़राब कर देगा, या आपका लीवर ख़राब कर देगा, या किडनी ख़राब कर देगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ही होगी उससे। फ़ायदा तो कुछ होना नहीं है, लेकिन खाना आप खा रहे हो तो खाना तो डाइजेस्ट होगा ना आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी को लगेगा, वो आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, वो आपकी बॉडी को विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक्स, जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए वो हमारी बॉडी को फूड से ही मिलता है। लेकिन नाकुमट से क्या मिलता है? सिवाय बीमारियों के कुछ भी नहीं मिलता। अब रहा ईडेबल वाली चीज़, तो ईडेबल तो मैडम जब वो बेच रहे हैं तो वो ईडेबल लिख के देंगे ना, वो ये थोड़ी लिखेंगे कि ये जहर है इसको मत खाओ। उस पर जहर लिखेंगे तो कौन खरीदेगा, कौन खाएगा? ईडेबल किसने लिया है? भगवान ने ठप्पा मार के दिया है क्या कि ईडेबल है आप खाओ? भगवान जी ने तो नहीं दिया ना ठप्पा मार के। जो कम ब्रांड बना रहा है, या जो लोग उसको बना रहे हैं, या जिसका बिजनेस है वो कर रहे हैं, वो तो ईडेबल लिख के ही देंगे। ईडेबल तो प्लास्टिक पे भी लिखा हुआ आता है, फूड ग्रेड प्लास्टिक लिखा आता है, लेकिन कैंसर हो रहा है ना लोगों को प्लास्टिक से। सब लोग किचन से, सॉरी बैकग्राउंड नॉइस है, तो सब लोग अपने किचन से प्लास्टिक को रिप्लेस कर रहे हैं ना, स्टील से, या कांच के बर्तनों से, या क्रॉकरी से कर रहे हैं ना रिप्लेस, क्योंकि उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो अब हमें पता चल रहे हैं। तो नाकुमट पे भगवान ने तो फूड ग्रेड लिख के दिया नहीं, कंपनी वालों ने लिख के दिया, सॉरी ईडेबल लिख के दिया नहीं कंपनी वालों ने, या जो बना रहा है बंदा, जो सेलर है, या जो बना रहा है, जिसने प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्शन वाले जो हैं, तो उन्होंने किया है ईडेबल लिखा है, जो मैन्युफैक्चरर है उसने ईडेबल लिखा है। कौन दे रहा है ईडेबल लिख के?
उस पर इडेबल लिखा हुआ है, मतलब खा लोगे? कल को कूड़ा कट कट करकट पे इडेबल लिख के आएगा तो आप खा लोगे? दुनिया चिप्स कुरकुरे भी खाती है, लेकिन बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं क्योंकि पता है वो नुकसान करते हैं। इडेबल तो वो भी होता है। थोड़ा सा लॉजिकली बातें करें, थोड़ा सा लॉजिकली लोगों को समझाएं, लोगों को मिसगाइड ना करें, गलत आदतों में ना डालें, ठीक है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोग बाग इन आदतों से बाहर आ जाएं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का धंधा चलता रहे। तो धंधा करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। यही है क्या कि लोगों को चूना पत्थर मिट्टी चौक ये सब खिलाते रहो बैठ के? तो थोड़ा सा लॉजिकल बातें करो, ऐसे इलॉजिकल बातें करने से कुछ नहीं होता है और लोगों को मिसगाइड करने से कुछ नहीं होता है। जो लोग समझदार हैं उनको ये चीज़ें समझ में आती है कि मिट्टियाँ खाने से या नाकोमट खाने से या चौक खाने से, स्लेट पेंसिल खाने से कोई फ़ायदा शरीर को होता नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, किसी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को किडनी में प्रॉब्लम है, किसी को स्टोन का प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, वो सब इन्हीं सब चीज़ों के कारण है, ठीक है? तो और सब चीज़ें तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ नाकोमट के बारे में। और कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा या बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक सभी को प्यार भरी राम।